बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। कल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी, ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करा देते हैं। केदारनाथ में बिजली कटौती का मामला, जहां मुख्य सचिव ने मामले पर अब संज्ञान लिया है। केदारनाथ में बिजली कटौती पर मुख्य सचिव ने आदेश, उनके आदेश पर कार्रवाई हुई है। यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता दशरथ कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। केदारनाथ में अधिशासी अभियंता हैं दशरथ कुमार चौधरी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। मुख्य सचिव ने एमडी यूपीसीएल अनिल यादव को भी फटकार लगाई है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी। अजीत जी, बताएं कि ये किस तरह का मामला था और कैसे इस कार्रवाई को अब देखा जा रहा है। अनु, देखिए, ये सपाट खुलने से एक दिन पहले भी वहाँ पर खूब अंधेरा था। केदारनाथ में जहाँ हजारों श्रद्धालु जमा हुए थे, उस समय सपाट खुलने से एक दिन पहले रात में पूरा अंधेरा रहा, तो उस समय मुख्य सचिव को ये सूचनाएं मिल रही थी। लेकिन कपाट खुलने के बाद उसी दिन शाम को जब श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ पूरा परिसर था, तो पूरी रात भर बिजली नहीं आना, तो ये इस बात की शिकायतें पहुंची, तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने ऊर्जा सचिव और एमडी यूपीसीएल को कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद नतीजा ये सामने आया कि वहाँ के जो एक्सीएन है, जो संबंधित एक्सीएन है, अधिशासी अभियंता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया और एमडी यूपीसीएल अनिल यादव को मुख्य सचिव ने बहुत फटकार तो लगाई है, लेकिन ये भी कहा है कि आप केदारनाथ में जाकर कैंप करिए, जब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं हो जाती तो आप वापस लौट कर देहरादून मत आइए। मुख्य सचिव चारधाम की जो अव्यवस्था हो रही है, इससे काफी नाराज है और उन्होंने कई अधिकारियों को और भी कल वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा है। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।